और अब चलिए एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विभव को कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस से जो है उससे हिरासत में लिया गया। उसके बाद पुलिस उन्हें सिविल लाइन पुलिस स्टेशन लेकर गई, जहां पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ देर में विभव कुमार को 30,000 कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में 30,000 कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने संवाददाता मनोज कुमार के पास। मनोज लगातार बने हुए, मनोज फिलहाल क्या अपडेट है अब तक? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि अभी पुलिस की जो है कागजी कार्रवाई चल रही है, रिमांड नोट तैयार किया जा रहा है और उसके बाद सबसे पहले विभव कुमार का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और मेडिकल चेकअप करवाने के बाद उसको 30,000 कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो ये मिल रही है कि पुलिस जो है विभव की रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि पुलिस के पास एक लंबी सवालों की फहरिस्त है जिनको जो सवाल पुलिस को विभव से पूछने हैं। यही वजह है कि रिमांड नोट में पुलिस अदालत को ये बताएगी कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से विभव की रिमांड की जरूरत है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार कितने दिन का रिमांड मिल पाता है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज ही अदालत में पेश किया जाएगा। थोड़ी देर बाद यहां से मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा और उसके बाद आज अदालत में पेश किया जाएगा। जी अब मतलब कितनी देर में ये पेशी हो सकती है, कोई एग्जैक्ट टाइमिंग है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस की तरफ से ये नहीं साफ किया गया है कि आखिरकार कितना समय इसमें लगेगा, क्योंकि अभी कागजी कार्रवाई चल रही है। जिस तरीके से पहले विभव को सीएम हाउस से लेकर के हिरासत में लाया गया, सिविल लाइन थाने के अंदर रखा गया और 15 मिनट की पूछताछ के बाद विभव की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है, तो एक कागजी कार्रवाई है जिसको करने में थोड़ा समय लगता है। पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, अदालत के सामने पेश करने होते हैं, रिमांड नोट बनाया जा रहा है और वो ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं जिनको लेकर के अदालत के सामने रखे जाएंगे कि ये वो ग्राउंड है जिनकी वजह से हमें विभव की रिमांड की जरूरत है। तो उसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन क्योंकि कल रविवार का दिन है और हालांकि रविवार को भी कोर्ट खुलता है, लेकिन आज ही अदालत में पेश किया जाएगा, ये बात सूत्रों ने साफ कर दी है। ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर से दीपक रावत आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, दीपक के पास लिए चलते हैं। अभी आम आदमी पार्टी आगे क्या करने वाले, इस बारे में कोई सूचना है तो दीजिए। इसके अलावा ये भी बताइए कि जिसको लेकर बवाल हो रहा था कि जो विभव हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, वो कहाँ हैं, पहले कयास लगाए जा रहे थे, कल सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि अमृतसर में हैं वहाँ और उनकी गिरफ्तारी भी होती है, तो उनके आवास से हुई है। ये बहुत बड़ा जो मामला है इसको अब लेकर जो बीजेपी है, जो विपक्ष है, वो भी इस पर घेरेगा उनको। बिल्कुल, और विपक्ष को मौका भी मिला है और बिल्कुल सीधे तौर पर घेरेगी भी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में हैं, उनकी रैली होनी है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी कि आखिर वो क्या बात रखते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है विवेक, यहाँ पर ये समझना होगा कि एक मैसेज है, ये मैसेज देने की कोशिश है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ नहीं बल्कि विभव कुमार के साथ खड़ी है, और यही मैसेज इसीलिए दिया गया है कि ये भी साफ लगे कि अरविंद केजरीवाल भी खुद विभव कुमार के साथ खड़े हैं। ये वजह कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक इस मामले में कुछ भी नहीं कहा, जब स्वाति ने आरोप लगाया, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको सपोर्ट किया था, तब भी अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा और अभी भी अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इसको सीधे तरीके से आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से लगातार अब बैक टू बैक कल से ही आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और सीधे तौर पर स्वाति को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं, वीडियोस जो बाहर आ रहे हैं उसमें भी जो बातें कही जा रही हैं कि मारपीट अगर इस तरीके से हुई होती तो वो इस तरीके से नजर नहीं आती, दूसरों को धमकाती हुई नजर नहीं आती, विभव कुमार को आपत्तिजनक शब्द कहती हुई नजर नहीं आती, वो तमाम चीजें हैं। पार्टी ये भी कह रही है कि विभव कुमार की कंप्लेंट को भी उतनी संजीदगी से पुलिस क्यों नहीं लेती जितनी संजीदगी से स्वाति मालीवाल की कंप्लेंट को लिया गया था। उन्होंने कल से अपनी कंप्लेंट भेजी हुई है, अब तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है, हालांकि पार्टी जो है इसको लेकर कोर्ट भी गई है, शाम को वो भी मामला आना है कि उस पर एफआईआर किस तरीके से और कैसी धाराओं पे दर्ज होती है। लेकिन सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी ने ये चुन लिया है और ये तय कर लिया है कि वो विभव कुमार के साथ है, इसी वजह से जांच होनी है जिसमें वो कह रही है गंजे मैं नौकरी खा जाऊंगी तुम्हारी। अभी उस वीडियो पर भी कई चीजें आने वाली हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, आप दोनों इस खबर पर नजर बनाए रखिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।